दक्षिण कोरिया की मुस्लिम आबादी और मस्जिदों की संख्या कितनी है? दोस्तों, दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक विकसित और आधुनिक देशों में से एक है। दक्षिण कोरिया का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया का स्वतंत्रता दिवस भारत के साथ ही 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1948 को रिपब्लिक ऑफ कोरिया की औपचारिक रूप से स्थापना हुई। जबकि दोस्तों, दक्षिण कोरिया अपने भारत देश के संबंध काफ़ी पुराने और काफ़ी अच्छे हैं। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया की 81.4% आबादी शहरी भाग में रहती है, जबकि 8.6% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण कोरिया की साक्षरता दर 99.9% इतनी है, जो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी है। दक्षिण कोरिया में 3000 से अधिक द्वीप हैं। दक्षिण कोरिया के लोग औसतन एशिया में सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 1910 में कोरियाई साम्राज्य पर जापान ने कब्जा कर लिया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान के आत्मसमर्पण के बाद कोरिया को दो भाग, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में बंट दिया गया। दोस्तों, दक्षिण कोरिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर रियोल है। यह शहर दक्षिण कोरिया का सबसे खूबसूरत शहर है। जबकि दोस्तों, दक्षिण कोरिया देश का कुल क्षेत्रफल 1,02,010 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ पर दक्षिण कोरिया की मौजूदा समय में कुल जनसंख्या वर्ल्ड मीटर वेबसाइट द्वारा 5,17,18,803 है। जबकि इस देश की राष्ट्रीय भाषा कोरियाई है, जबकि दक्षिण कोरिया की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया में सभी पुरुषों को मिलिट्री में सर्विस करना अनिवार्य है। महिलाओं को मिलिट्री में सेवा करना आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो अपने इच्छा के अनुसार सेना में शामिल हो सकती हैं। दोस्तों, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की तकनीकी रूप से अभी भी युद्ध में है। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब दक्षिण कोरिया में बच्चा पैदा होता है तो वो पहले से ही 1 वर्ष का होता है। कोरियाई लोग गर्भ में 9 महीने को अपने उम्र की गिनती के रूप में मानते हैं, इसलिए हर कोई जन्म के समय 1 वर्ष का होता है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया में नंबर 4 को अशुभ माना जाता है, जबकि दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी पॉप म्यूजिक के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण कोरिया का आधे से ज्यादा हिस्सा लगभग 63.5% जंगल से घिरा हुआ है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दक्षिण कोरिया की दिग्गज टेक कंपनी सैमसंग ऑटोमोटिव और अपने पॉप संगीत के लिए प्रसिद्ध है। औसतन इंटरनेट स्पीड के मामले में विकिपीडिया के अनुसार दक्षिण कोरिया दुनिया का नंबर 1 का देश है। इस देश की 97.6% आबादी स्मार्टफोन का उपयोग करती है। दोस्तों, अक्सर सुअर को गंदे जानवर के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन दक्षिण कोरिया में सुअर को सपनों में देखना शुभ माना जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं दक्षिण कोरिया की मुस्लिम आबादी और वहाँ के मस्जिदों की संख्या के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे जानकारी वाले वीडियो हम आपके पास सबसे पहले लाते रहे। और दोस्तों, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में कौन सा देश सबसे ताकतवर देश है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, कुछ वेबसाइट के मुताबिक ली गई जानकारी के अनुसार दक्षिण कोरिया के मौजूदा समय में कुल जनसंख्या 5,17,18,803 है, जहाँ पर दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म आता है, जहाँ पर ईसाई धर्म की आबादी 1,03,43,903 है, जो दक्षिण कोरिया का 20% आता है। जबकि दक्षिण कोरिया में बौद्ध आबादी 87,43,203 है, जो दक्षिण कोरिया का 17% आता है। जबकि दक्षिण कोरिया की मुस्लिम आबादी 2,06,803 है, जो दक्षिण कोरिया का 0.4% आता है। जबकि दक्षिण कोरिया में अन्य धर्मों की आबादी 7,24,103 है, जो दक्षिण कोरिया का 1.4% आता है। जबकि नास्तिक लोगों की आबादी 3,16,78,803 है, जो दक्षिण कोरिया का 61.2% आता है। तो यहाँ पर दोस्तों, दक्षिण कोरिया में मुस्लिम आबादी 2 लाख से अधिक है। अब दोस्तों, बात करते हैं दक्षिण कोरिया की मस्जिदों की संख्या के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों, दक्षिण कोरिया में कुछ वेबसाइट के मुताबिक ली गई जानकारी के अनुसार वहाँ पर 50 से अधिक मस्जिद मौजूद है। लेकिन दोस्तों, दक्षिण कोरिया की मुस्लिम आबादी के आधार पर वहाँ के मस्जिदों की संख्या की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया के 2,06,800 मुस्लिम आबादी के लिए करीब 100 से अधिक मस्जिद हो सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में कुछ वेबसाइट के मुताबिक दक्षिण कोरिया की मुस्लिम आबादी और वहाँ के मस्जिदों की संख्या के बारे में बताया है। वैसे तो दोस्तों, जनसंख्या का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि जनसंख्या हर दिन घटती और बढ़ती रहती है। और दोस्तों, अपने भारत देश में मुस्लिम आबादी कितने करोड़ है, 20 करोड़, 25 करोड़ या 30 करोड़? इस सवाल का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में।